aku ilah no norot no kurung mas tangga paru kurung kan betul kan? Kami lunch ni ayah sambil pada opera Rupini samad se Murasim samad se apne Gurindu Chukra Chukra samad se Malsam se और कलोई समाज से सब लोगों को और त्रिपुरा क्षत्रिय समाज को मेरे तरफ से सबसे पहले मैं आप सबको खुलुखा शिवाय अपरो हमारे नुआतिया से भी आए हैं रियान से भी खोनाराम आए हैं सबको मैं शिवाय बोलना चाहता हूँ तबीयत थोड़ा सा आज ठीक नहीं है लेकिन मैंने कमिटमेंट दिया था त्रिपुरा क्षत्रिय समाज को कि मैं यहाँ आऊँगा और आप सबको आज क्योंकि खारची पूजा है और खारची पूजा में बुबागरा को भी दो साल बाद खारची पूजा हो रहा है क्योंकि कोरोना है तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि अपना कल्चर अपना आइडेंटिटी अपना इतिहास को हम लोग सम्मान करें तो तबीयत ठीक भी नहीं होने से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ आऊँगा और मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लोग ने अपना हिस्ट्री को अगर हमने अपना इतिहास को अपना परंपरा को अपना आइडेंटिटी को अपना कल्चर को अपना सभ्यता को और अपना परंपरा को याद नहीं किया मेंटेन नहीं किया तो आप जितना भी मॉडर्न बन जाइए आप जितना भी अमीर बन जाइए आप आखिर में जब आपका आखिरी दिन आएगा तो आपको इसी हाँ में मरना है और आपको पहले अपना इतिहास अपना कल्चर अपना आइडेंटिटी उसको इज्जत करना चाहिए और सीखना चाहिए ये बात मैं सिर्फ भाषण से नहीं बोल रहा हूँ आज आप लोग बुबागरा आयुक्त लोकथोंग बोल रहे हैं एक टाइम था कि बुबागरा का शब्द पूरे इंडिया में कोई जानता भी नहीं था पांच साल में पूरा त्रिपुरा जान गया है कि त्रिपुरा में महाराजा का मतलब कोकबोरोक में बुबागरा है थानसा का मतलब भी सब लोग समझ गए पांच साल के अंदर क्योंकि हमने अपने ऊपर विश्वास किया अपने आइडेंटिटी को हम नहीं भूले और हमने अपना एक फोकस रखा क्षत्रिय समाज ने आज ये 10 पॉइंट का मेमोरेंडम दिया है मैं इसमें सिर्फ दो चीज बोलना चाहूंगा सबसे पहले कि मैं चाहता हूं कि मूर्ति से पहले अगर हम लोग स्कॉलरशिप दे दे स्कूल बना दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप त्रिपुरा के महाराजा को देखिए त्रिपुरा के महाराजा ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं बनाया कहीं भी महाराजा वीर विक्रम ने अपना एक मूर्ति नहीं बनाया राधा किशोर माणिक्य ने अभी कभी भी अपना एक मूर्ति नहीं बनाया वीरेंद्र किशोर ने भी कभी नहीं किया धन्य माणिक ने कभी नहीं किया रत्नाफा ने कभी नहीं किया जुजारूफा ने कभी अपना मूर्ति नहीं बनाया क्योंकि त्रिपुरा का महाराजा का वो कल्चर नहीं है हम लोगों का बुकुंबारा का ये कल्चर नहीं है कि हमारे नाम में मूर्ति बनाओ हमारे नाम में रास्ता लगाओ ये हम लोग का कल्चर में नहीं है इसके लिए आप देखेंगे कि इतना राजा होने से भी एक राजा ने अपने नाम में कभी भी एक मूर्ति नहीं बनाया ये हम लोग का कल्चर है उससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर मूर्ति बनाना है तो मैं अपने पैसे से कर दूँगा लेकिन जो पब्लिक का पैसा है जो पब्लिक का पैसा है वो स्कूल में जाना चाहिए जो पब्लिक का पैसा है वो रास्ते में जाना चाहिए जो पब्लिक का पैसा है वो स्कॉलरशिप में जाना चाहिए अगर आप महाराजा को सच में आदर करते हो तिपरासा को सच में आदर करते हो तो अपना नेक्स्ट जनरेशन को उठाओ
नेक्स्ट जनरेशन को अगर अच्छा शिक्षा दिया, अपने इतिहास के बारे हमने एजुकेशन दिया, वो कोई भी मूर्ति से ज़्यादा बड़ा है। और अगर मूर्ति बनाना भी है तो ये मेरा काम, पब्लिक के पैसे से नहीं होना चाहिए, अपने फंड से होना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट का रुपया जो टैक्स से आता है वो मूर्ति बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। सेकेंड बात, आपने कहा कि वो उजंता पैलेस के सामने सूर्यसेन और खुदीराम बोस का मूर्ति को हटाने के लिए, मेरा ये सोचना है कि ठीक है कि वो वहाँ में नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर आज वहाँ में सूर्यसेन और खुदीराम बोस का वहाँ में अगर एक मूर्ति है तो उसको नहीं हटा के महाराजा का एक और दो तीन मूर्ति लगाया जाए, किसी को हटाइए नहीं। ये बहुत खराब कल्चर है इंडिया में जो हम देख रहे हैं कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद, मस्जिद को तोड़ के मंदिर, चर्च को तोड़ के मंदिर, हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है। किसी को तोड़ने से, किसी का मूर्ति को तोड़ने से आप किसी को अपने आप को इज्जत नहीं दे रहे, आप अलग से करो। ये जो नफरत का राजनीति है या पॉलिटिक्स है उसको छोड़ो, आप बनाओ अच्छे तरीके से बनाओ, लेकिन किसी और का इसमें खुदीराम बोस का और सूर्यसेन का क्या गलती था? जिसने बनाया उन्होंने अपने वजह से बनाया, उनको एक मैसेज देना था, उनको टिपरासा को नीचे दिखाना था तो उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें खुदीराम बोस और सूर्यसेन का कुछ गलती नहीं। जिसने स्वामी विवेकानंद ग्राउंड अस्तबल से हटाकर बनाया उनको अपना मैसेज देना था। मैं बोल रहा हूँ कि वो है रहने दो, स्वामी विवेकानंद को मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ, खुदीराम बोस और सूर्यसेन ने भी बहुत अपनी जगह में सेक्रीफाइस किया। आप नया बना, एक और अच्छा आलिशान बना, लेकिन किसी को बेइज्जत करके अपना इज्जत नहीं बढ़ता। ये बात मैंने शास्त्र में भी सीखा है, ये बात मैंने हर धर्म में, हर मजहब में, चर्च में सीखा है, मंदिर में सीखा है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में सीखा है, कुरान में भी सीखा है कि किसी का बेइज्जती करने से आपका इज्जत नहीं बढ़ता। आप अपना इज्जत, अपना सम्मान, आप लोग हानि गुस्सा है, आप लोग हानि गुस्सा है, आपको प्रमाण देने का कोई दरकार नहीं है कि ये जगह आपका है, ये राज्य आपका है, ये धरती आपका है। हम लोग को अगर अपने इतिहास को आगे ले जाना है तो सबसे पहले थानसा लाइए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ में मैंने देखा है हदा है, मैंने देखा अपना रूपिनी समाज है, मौलसम है, अपना रियांग कम्युनिटी से है, क्षत्रिय समाज है, नवातिया है, मुरा सिंह है, और भी अच्छा लगा जब मैंने यहाँ में कमल कोलोय और अपना वीरेंद्र को हाथ मिलाते हुए देखा। हर्षमय पूजन के दिन आप लोगों के बीच में क्या हो गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं वीरेंद्र बाबू को भी बहुत प्यार करता हूँ और कमल आपको भी मैं कॉप की प्रेस से प्यार करता हूँ उस समय से, ठीक है? तो मुझे क्या चाहिए, मुझे थानसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम लोग का समाज आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन्नति करें, मैं चाहता हूँ कि आपका नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि जब एक टिपरासा त्रिपुरा से बाहर जाए तो सब लोग सम्मान करें। जैसे आज जब नागा बाहर जाता तो सब लोग बोलता आप नागालैंड से, जब एक मिजो बाहर जाता तो सब लोग बोलता मिजोरम से, जब कोई मेघालय से बाहर जाता तो सब लोग बोलते कि आप मेघालय से हैं, अरुणाचल प्रदेश से। तो मैं भी चाहता हूँ कि जब कोई त्रिपुरा त्रिपुरा से बाहर जाए तो कोई नहीं पूछे कि आप कहाँ से हो, मैं चाहता हूँ कि आपको आपके राज्य में आपको एक सम्मान मिले, मैं उसके लिए थानसा चाहता हूँ। मीडिया यहाँ में है, बहुत मीडिया लोग मुझे पसंद भी नहीं करते, मैं जानता हूँ कि बहुत मीडिया लोग मुझे पसंद नहीं करते, बहुत लोग न्यूज़पेपर में लिखते हैं कि ये
राज परिवार का सदस्य, ये महाराजा का बेटा अपने आप को क्या समझता है? ये त्रिपुरा का क्या भला नहीं चाहता है? सब त्रिपुरा के बारे में बात नहीं करता। आप लोग मीडिया भी एक बार सोच लो, मैंने आज तक किसी भी माँ बाप को गाली नहीं दी है। कोई भी नेता का माँ बाप को मैंने गाली नहीं दी। आज तक मैंने कोई भी नेता का पिताजी क्या करता था, माँ क्या करता था, उसका दादा क्या करता था, मैंने आज तक प्रद्युत विक्रम माणिक्य बुबाग्रा ने आज तक किसी के परिवार का निंदा नहीं किया। लेकिन हमेशा हमेशा मेरे ऊपर अटैक किया जाता है कि वीर विक्रम ने क्या किया, वीरेंद्र किशोर ने क्या किया, विभू कुमारी देवी ने क्या किया, किरट विक्रम किशोर ने क्या किया। मैंने एप्लीकेशन नहीं भेजा था कि मैं राज परिवार में पैदा हूं, मैंने एप्लीकेशन नहीं भेजा था, मैं वहां में पैदा हुआ हूं। आप मेरा काम देखकर मुझे जज कीजिए। मैंने आपके बाप दादा को देखकर मैंने आपके ऊपर कभी भी कमेंट नहीं किया। लेकिन दुख लगता है जब अपने ही राज्य में मेरे परिवार को अटैक किया जाता है, जिसमें मैंने आज तक वीर विक्रम को देखा नहीं। वीर विक्रम 1947 में उनका देहांत हुआ, मैं 40 साल बाद पैदा हुआ, लेकिन आज भी मुझे सुनाई दिया जाता है कि वीर विक्रम ने ये वीर विक्रम का नाती। मैं आपको और एक बात बोलना चाहता हूं, हर चीज में सरकार ने त्रिपुरा में राजा महाराजा को गाली देकर अपना राजनीति की, अच्छा बात नहीं। आज अगर सिलेंडर, गैस सिलेंडर का दाम 1,000 रुपया है, तो क्या उसमें महाराजा वीर विक्रम का गलती है? आज अगर अगरतला में पेट्रोल का दाम 100 से ऊपर हो गया है, स्कूल में शिक्षा नहीं है, तो क्या नीर महल का गलती है कि महाराजा वीर विक्रम ने 1930 में नीर महल क्यों बनाया था? अब हर चीज, ये एक नया सिस्टम शुरू हुआ है कि मुगल था इसके लिए हिंदुस्तान गरीब है, अंग्रेज था तो हिंदुस्तान गरीब है। अंग्रेज छोड़ के चला गया, 73 ईयर्स हो गया, 75 साल हो गया है अंग्रेज छोड़ के, मुगल खत्म होकर 200 साल होने वाला है, 180 साल हो गया। औरंगजेब को अभी भी आप ब्लेम करते हो हर चीज के लिए। ताजमहल नहीं होता तो आज हमारे घर में बिजली होता, और यही चीज अगरतला में उजेंता पैलेस नहीं होता तो तिप्रासा के घर में स्कूल होता। आप 70-75 साल से आपके पास पावर है, शासन। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये पॉलिटिक्स में इतना गंदगी क्यों है? हर लोग हर दिन कोई ना कोई नेता पब्लिसिटी में आने के लिए उल्टा सीधा बोलते रहता है। त्रिपुरा का भला किसको चाहिए? कोई बोलता है सबका साथ सबका विकास, कोई बोलता है लाल सलाम, लेकिन सच बात क्या है? आज तक हमने अपना यहां में जो एक लिस्ट है, हम लोग का जो ट्रेडिशनल ओकरा है, होदा है, चांगताई है, कास्काओ है, क्षत्रिय समाज है, तोताराम मूरा सिंह है, कभी भी समाजपति को हम लोग ने कभी आदर दिया? ये आदर हमने समाजपति से हटाया और एमडीसी एमएलए को दे दिया, कोई क्लब का प्रेसिडेंट को दे दिया, कोई पॉलिटिकल जनरल सेक्रेटरी को दे दिया, कोई कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। ऐसा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आज कोई भी बाहर से आता है तो मां त्रिपुरा सुंदरी आपको भला रखे, ये हमेशा स्टेटमेंट आता है ट्विटर में, मां त्रिपुरा सुंदरी आपको भला रखे। एयरपोर्ट में त्रिपुरा सुंदरी मां का एक मंदिर का एक रेप्लिका भी है। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी में आज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है त्रिपुरा सुंदरी? आज हम लोगों का यहां में रियांग लोग है,
सांगरुमा भगवान को कितना खराब से रखा गया है, यही में सांगरुमा को, सांगरुमा देवी को कितना खराब से रखा गया, कोई बात नहीं करता उसके बारे में। लेकिन सब लोग बात करता कि हिंदू खतरे में, हिंदू तो मैं भी हूं लेकिन मेरा हिंदू क्रिश्चियन के अगेंस्ट नहीं है, मेरा हिंदू बुद्धिस्ट के अगेंस्ट नहीं है, मेरा हिंदू मुसलमान के अगेंस्ट नहीं है, मेरा हिंदू डेवलपमेंट चाहता है, मेरा हिंदू किसी से नफरत नहीं करता। आज मैं यहां में आया हूं, दिलीप बाबू ने मुझे कहा, इसके पहले प्रेसिडेंट ने हमको बोला कि महाराज हम लोग दशरथ भवन में करेंगे, मैंने कहा टाउन हॉल में करो। क्यों टाउन हॉल में करने को? आज तक क्षत्रिय समाज ने प्रोग्राम टाउन हॉल में नहीं किया। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी नेक्स्ट टाइम रविंद्र भवन में करें, उसके बाद हम लोग अस्तबल में करें। और सिर्फ क्षत्रिय समाज नहीं, चुपड़ा पिथु को भी करना चाहिए, हौदा को भी करना चाहिए, हम लोग का हस्म भूजन को भी ऐसी होना चाहिए, कलोई का भी होना चाहिए, ब्रू का होना चाहिए, ब्रू मथो हो, सांगरुमा हो, बीएसको हो, जो भी हो। मैं आप सिर्फ सबको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि थानसा रखिए, थानसा रहेगा तो हम लोगों को कुछ मिलेगा, थानसा नहीं रहेगा तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। मैं जब दिल्ली जाता हूं टिपरासा के बारे बात करने के लिए, तो मैं पॉलिटिशियन बन के नहीं जाता, मैं नेता बन के नहीं जाता, ये बात सबको मालूम है, प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर को मालूम है कि मैं राजा का बेटा हूं, मैं राजा का बेटा बन के जाता हूं और झूठ नहीं बोलता हूं, जो मेरा पॉइंट है मैं रखता हूं। लेकिन अगर आप लोग ही यहां में थानसा नहीं रखेगा तो दिल्ली को भी लगेगा कि अरे ये प्रद्युत मानिकी आ रहा है दिल्ली दोफा के बारे बात करने के लिए, तिपरासा के बारे बात करने के लिए, लेकिन उन्हीं का राज्य में, उन्हीं के गांव में, उन्हीं के कामी में इनका थानसा ही नहीं है, तो हम इनका बात क्यों सुने? हम एक पॉलिटिशियन का बात क्यों नहीं सुने जो बोलेगा कि आप रुपया दो हम पूरा समाज को दोफा को खरीद लेगा और तब आप जो बोलेगा वही होगा। सिस्टम को चेंज नहीं करना है हम लोग को, करना है कि नहीं? सिस्टम को चेंज करना है कि नहीं, आप हमको एक बार बोलो, हमको सुनाई नहीं दे रहा। सिस्टम को चेंज करना है कि नहीं? कैसे कर सकता है? थानसा, क्योंकि थानसा नहीं रहेगा तो सिस्टम आपको चलाएगा और थानसा रहेगा तो आप सिस्टम को चलाएगा। ठीक बोला कि नहीं? ये सिस्टम ने आपको 75 साल से नीचे रखा है, कोई खुदीराम का बोस का स्टैचू नहीं, कोई सूर्य सेन का स्टैचू नहीं, ये सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम ने आपका थानसा तोड़ा है। इसके लिए मैं बोलता हूं किसी के खिलाफ मत जाओ। ये प्रॉब्लम बंगाली ने नहीं किया है आपके लिए, ये प्रॉब्लम हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन का नहीं है, ये प्रॉब्लम दिल्ली का दूरी से हुआ है। अब दिल्ली को ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसके लिए हम लोग, आप जहां भी हो, कोई भी दफा में हो, कोई भी पार्टी में हो, कोई भी समाज में हो, लेकिन पहले अपना कामी के बारे, अपना दफा के बारे पहले बात करो, उसके बाद राजनीति करो। पहले अपना इतिहास, अपना बुकुंबारा, अपना तिपरासा को बजा के रखो, उसके बाद आपको जो करना है करो। सिस्टम को बदलो, थानसा रखो। आज भूभाग्रा बीमार है, लेकिन मैं अभी भी चित्तू बाबू से बात कर रहा था, राजेश्वर से बात कर रहा था, ऋषिकेतु है वहां, कमल है, मैं ट्रीटमेंट के लिए बाहर क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि मुझे हमेशा लगता कि अगर मैं गया
तो ये लोग हम लोग का थानसा तोड़ देगा। हम लोग के अंदर भी प्रॉब्लम है, दफा में भी प्रॉब्लम है। हम लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं करता, थोड़ा लालच हो जाता है। आज मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करा रहा हूं क्योंकि मुझे चिंता है कि अगर मैं अगरतला छोड़कर बाहर गया ट्रीटमेंट के लिए तो यहां में कुछ हो गया, तो इसके लिए मैं आपको दोफा को, आप जो तिपरासा है, आम आदमी है, आम बुरुई है, घुमा है, मैं आपको हाथ जोड़ के बुबागरा हानी बुबागरा आपको हाथ जोड़ के बोल रहा है कि आप लोगों का ऊपर दायित्व है कि थानसा रहे। अगर थानसा रहेगा तो बुबागरा रहेगा, थानसा नहीं रहेगा तो ना बुबागरा रहेगा, ना हा रहेगा, ना दफा रहेगा, ना हमारा भविष्य रहेगा। क्षत्रिय समाज ने बहुत पॉइंट्स रखा है, कस्टमरी लॉ का रखा है, एम्पावरमेंट रखा है ऑफ कामी चौधरी। आपने रीसा के बारे बात किया है, हम लोग ने भी कुछ स्टेप्स लिया है, हमारे ईएम्स भी यहाँ में है कि हर 20 कम्युनिटी है आज त्रिपुरा में, हर 20 कम्युनिटी को खुमुलुंग में जगह दिया जाना चाहिए कि आप लोग वहाँ में अपना ऑफिस बनाए, आप लोग अपना सेटअप करें। और उसके लिए हम लोग ने ये डिसीजन भी लिया कि पूरा 20 का 20 कम्युनिटी को खुमुलुंग में अलग से जगह दिया जाए, अलग से थोड़ा फंड्स दिया जाए, अलग से एक कम्युनिटी सेंटर हो जहां में हम लोग अपना कल्चर, अपना गाना, अपना रीसा, अपना रिग्नाय, अपना इतिहास, अपना भाषा, अपना पूरा सिस्टम को मेंटेन कर सके। इसके लिए हमने बात किया है और जगह भी आइडेंटिफाई हो रहा है। और अगर हम लोग अगले साल हम लोग के पास कुछ पावर आता है तो सबसे पहले वो जगह आपको हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग करके एक ही दिन में पूरा 20 दफा को हम लोग वो जमीन देना चाहते हैं। ये जो सिस्टम ने हम लोग को तोड़ा है ना, इसको अगर ठीक करना है तो वो एक दिन में ठीक नहीं होगा, इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, इसके लिए बलिदान देना पड़ेगा, इसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसके लिए अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। ईगो को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, नफरत को छोड़ो, पहले प्यार को अपनाओ, पहले समझो कि हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो कोई भी वंशा से नहीं है, क्रिश्चियन से नहीं है, हिंदू से नहीं है, मुसलमान से नहीं है, मणिपुरी से नहीं है। हम लोग का प्रॉब्लम हम लोग के अंदर जो क्रोध है, जो ईगो है, जो लालच है, उससे है। उसको पहले कॉन्कर करो, थानसा लाओ और कुछ ना कुछ हम लोगों को मिलेगा। अगर हम लोग ने आज भी ये बात नहीं समझा, अगर आज भी हम लोग ये बात नहीं समझा तो जो 75 साल से हो रहा है वो चलते रहेगा। और हानि बुबागरा हो या कोई भी हो, हमारा हा को बचा नहीं सकता। मैं आपको फिर से खारची पूजा में सबको विश करना चाहता हूं। ये खर्ची केयर पूजा जो फेस्टिवल है हमारा, ये हमारा चिन्ह है कि नहीं, है कि नहीं? इसको आप कोई भी हो आप सेलिब्रेट कीजिए, ये हमारा आइडेंटिटी है। और मैं सबको यही बोलना चाहता हूं कि जो डिसीजन क्षत्रिय समाज ने लिया है कि आप कोई भी धर्म के हो, आप क्षत्रिय हो तो आप आइए। हमारे तिपरा मोथा में भी एक शब्द है, वॉरियर्स, है कि नहीं? वॉरियर्स का हिंदी मतलब क्या है? क्षत्रिय।
अगर आपको वॉरियर बनना है, अगर आपको लगता है कि आप लोग वॉरियर्स हैं, तो आप लोग क्षत्रिय भी। कभी भी मत समझिए कि आप लोग का पास क्षमता नहीं है, आप लोग हानि बसा है, ये हा आपका है और आपका बुबागरा हमेशा, जब तक ताकत है मैं फाइट करूंगा, अपने लिए नहीं, आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आपके लिए और आपका प्यार के लिए। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल एंड आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल वंस अगेन, ये घरची के दिन आप लोग जाइए अपने कामी में, और जो मेरा मैसेज है, मेरा मैसेज को समझिए, दिल में रखिए और जाके अपना कामी में बात करो, बुबागरा क्या बोल रहा है, बुबागरा का मैसेज क्या है। बुबागरा का मैसेज बहुत दूर तक जाने वाला मैसेज है, इलेक्शन का मैसेज नहीं है, ये हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा सर्वाइवल, हमारा बचने के लिए ये मैसेज है। ये आप जाकर अपने कामी में, अपने दोफा में, यहाँ में हमारा हौदा है, यहाँ में हमारा रुपिनी बाबू है, हमारा नवातिया है, हमारा नारंग है, हमारा मुरा सिंह है, कोलोई से है, मैं आप सबको बोल रहा हूँ, आप सब मेरे लिए एक ही हो, आप लोग सब एक हैं, मेरे हम लोग सब एक हैं, हम लोग का खून, हम लोग का थुई भी एक है, हम लोगों का भविष्य भी एक है, हम लोग अलग नहीं हो सकता। और जो लोग हम लोगों को बांटने का कोशिश कर रहा है ना, वो लोग चाहता है कि थानसा नहीं रहे। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको बहुत आदर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और उससे ज़्यादा मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। बेलाई बेलाई नो हम भाई खुलुंखा, धन्यवाद, क्षत्रिय समाज आई ब्लॉक, थैंक यू।